प्रतापपुर, यहाँ मेरे हिस्से की जमीन और मेरे हिस्से का आसमान है, क्योंकि यहाँ मैं जन्मी। यहाँ मैंने पहली बार चलना सीखा, सपने देखे, सपनों को कभी टूटते हुए तो कभी पूरे होते हुए देखा। गहन सगहन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बढ़ाइए, मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है, मीलों मुझको चलना है। किशोर और किशोरियों को लेकर जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, उन्हें लेकर एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हम आप सब लोगों में से एक किशोर और एक किशोरी को चुनेंगे, जिन्हें हम ट्रेनिंग देंगे और फिर वो बन जाएंगे आप सबके साथिया। इस साथिया से आप खुलकर अपने दिल की बात कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। फिर वो चाहे आपके शरीर में आ रहे बदलाव के बारे में हो, या पोषण के बारे में हो, आपकी खुशहाली के बारे में हो, हिंसा के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हो, या कोई और परेशानी, आप बेझिझक बात कर सकते हैं जैसे अपने दोस्तों से करते हैं। और अगर उनको लगा कि आपको और सहायता की जरूरत है तो वो आपको ANM दीदी के पास लेकर जाएंगे, और जरूरत हुई तो डॉक्टर के पास भी। और ये जो आपकी आशा दीदी हैं, ये आपके घर घर जाकर के आपके माँ बाप से मिलेंगी, उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में समझाएंगी और उन्हें अपने साथ करेंगी, उनका सहयोग लें। वेलकम होम डॉक्टर स्नेहा। थैंक यू सर। डॉक्टर जैन ने आपके लिए खास मैसेज भेजा है। कैन वी प्लेट प्लीज। सिट डाउन एवरीवन। दोस्तों, स्नेहा को हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब इन्हें देश में ही नहीं विदेश में भी लोग जानने लगे हैं। डॉक्टर स्नेहा ने जो काम किया है वो आज कई यूनिवर्सिटीज में रिसर्च का विषय बन चुका है। वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू। मैं अभी मानवता में नहीं हूं, लेकिन मैं मानवता के साथ हमेशा से जुड़ा रहूंगा। डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर अवस्थी मेरे खास मित्र हैं कई सालों से,
यूं समझ लीजिए कि हम दोनों एक ही हैं। ऑल द बेस्ट डॉक्टर स्नेहा। स्नेहा दी, आपने जो प्रोजेक्ट साथिया चलाया है वो देश के और भी राज्यों में चलाया जाएगा और हमें आप पे बहुत गर्व है। देखिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं नहीं स्नेहा जी, हमारे लिए आप बस एक डॉक्टर नहीं, हमारे लिए आप प्रेरणा भी। ओके एवरीवन, आप नौजवान लोग आप अपना जश्न मनाए, मुझे डॉक्टर स्नेहा से कुछ जरूरी बातें करनी है। इट्स वेरी अर्जेंट। कोई इमरजेंसी है सर? नहीं, इमरजेंसी तो नहीं है, पर कुछ जरूरी बातें करनी थी, कुछ अतीत की, कुछ भविष्य की। कुछ समझी नहीं मैं। स्नेहा, दवाई की भी एक कड़वी सच्चाई होती है, डॉक्टर्स भी बूढ़े हो जाते। सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? स्नेहा, डॉक्टर जैन से अब पहले जैसा काम नहीं होता। वो कुछ महीनों से सोच रहे थे और फिर उन्होंने मुझसे कहा एक दिन कि अब अवस्थी वक्त आ गया है मेरे रिटायर होने का। सर, डॉक्टर जैन के पास अभी बहुत कुछ है इस दुनिया को देने के लिए, वो कभी रिटायर नहीं हो सकते। नहीं स्नेहा, डॉक्टर जैन चाहते थे कि मानवता की भागदौड़ तुम्हारे हवाले कर दी जाए। मैं तो बस कुछ ही अरसे के लिए यहाँ हूँ। सर, मैंने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है उसमें डॉक्टर जैन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके बिना मेरे लिए। आई एम श्योर। तो क्या ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो तुम? सर, मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। सोचना क्या है, जो काम तुम करने गई थी वो तो तुम पूरा करके आ गई, और यहां मानवता में तो सारे तुम्हारे अपने तो हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो तुम? मुझे आपका जवाब चाहिए। मेरा जवाब? जी। किस बात का? माँ बाबूजी की शादी की सालगिरह है तो घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है, आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। अब भाई, तुम्हें कैसे कोई मना कर सकता है, और इसी बहाने माथुर साहब से मुलाकात भी हो जाएगी। आई विल डेफिनेटली कम। थैंक यू सर। हुजूर, 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 हमने क्या क्या किया है हुजूर? हमने हमें क्यों कर लिया था मुकामे? इंस्पेक्टर तुम हो या मैं? आप हो हुजूर। तो फिर सवाल पूछना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। सर, पर हमारी गलती क्या है? टीले के पीछे लोटा मैदान में शौच करती महिलाओं की तस्वीरें ली हैं, सबूत के साथ पकड़े गए हो तुम दोनों। नहीं नहीं अतुल, ये बात सच नहीं है। हम तो वहां सुबह सुबह उगते सूरज चहचहाते पंछियों की तस्वीरें उतारने गए थे, और सर आपको तो मालूम है लोटा मैदान तो दक्षिण की ओर है। हाँ। नहीं? हाँ। और सूरज भी पूरब की तरफ से उगता है ना। हाँ। हमें समझाओगे? नहीं, मतलब सबूत सारे इस कैमरे में बंद है, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उठाओ, अरे उठाओ उठाओ। नहीं नहीं हुजूर। अरे उठाओ हुजूर, आपके सामने भला फोन कैसे उठा सकते हैं हम? देखो, अगर बचना चाहते हो तो सच सच बता दो कि क्या हुआ था और तुम दोनों वहां क्या करने गए थे, बोलो। ठीक है सर, ठीक है मैं बताता हूँ। सर, हम वहां गए थे सुबह सुबह, सुबह सुबह गए थे। नमस्कार, मैं आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। ये खामोशी सुन रहे हैं आप लोग? वो इसलिए है
कि आज मुन्ना जो नहीं है हमारे साथ, न जाने कहाँ खो गया है मुन्ना जी, अरे अभी अभी यहीं था किधर गया जी। अरे बड़ी चिंता की बात है भाई, क्योंकि आजकल के लोगों को अपना सेल फोन बड़ा जान से प्यारा होता है, इतना संभाल कर रखते हैं। अगर ऐसा ही रिश्ता हम इंसानों के साथ निभाएं, तो आहा ये जीवन ही आनंदमय हो जाए। अरे ये सब सीखने की बात है भाई। और आज मुन्ना के यहाँ नहीं होने से एक बात हमने और सीखी है कि भाई कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो रेडियो का हो चाहे जीवन का हो, अगर हम महिलाओं को सफल होना है तो ये मर्दों की मेहरबानी की हमें जरूरत नहीं है, बल्कि हम तो ई कह रहे हैं पितृ तंत्र रखो ठेंगे पे, अरे महिलाएं चमकेंगी अपने बल बूते पे। हाँ, सच से अपनी दोस्ती, झूठ से अपना बैर, इसी बात पर सुनो हमारी टेर, मतलब का ना पियवा गोइलन कलो खतवा ए सजनी, पियवा गोइलन कलो खतवा ए सजनी, पियवा गोइलन कलो खतवा ए सजनी। ए हेलो, अरे मुन्ना, अरे फोन काहे नहीं उठाता है, बेल जा रहा है, उठाता ही नहीं है। आइए आप भी बैठिए हमारे साथ। कितना अच्छा लग रहा है ना, एक प्यार एक परिवार। तुम्हारा ही जादू है बेटा। बाबूजी, गुड़ से शक्कर बनती है, शक्कर से गुड़ नहीं बनता। लो जी, ये तो आपसे भी ज्यादा सियानी होती जा रही है। अच्छा बाबूजी, एक बात बताइए, आप लोगों ने ये 28 साल इतनी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ निकाले कैसे? अगर ये सवाल बेटा तुम एक साथ पूछोगी तो जवाब हमेशा गलत मिलेगा। अरे, और अकेले में पूछोगी तो बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा। आप तो बस यूं ही हैं, मैंने इतना तो नहीं सताया आपको। अरे भगवान, तुम्हें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं। बुआ जी, कहाँ मर गया था रे? और मर ही गया था तो वापस जिंदा कैसे हो गया? अरे बुआ जी, बस ये समझ लीजिए, मौत के मुंह से बचकर आ रहे हैं। क्यों, मौत के मुंह में सिग्नल नहीं होता क्या? अरे कितनी देर से फोन लगा रही थी। अरे बुआ जी, हम स्कूटर चला रहे थे, आपका फोन कैसे उठाते? और वैसे भी स्कूटर चलाते हुए फोन पे बात करना गलत बात है कि नहीं? तो स्कूटर चला रहा था कि स्कूटर धकेल रहा था? अरे दो घंटे से ट्राई कर रही हूँ। बुआ जी, अब तो हम आ गए ना, देखिए हमने आपको चांस दिया है अकेले रेडियो पर प्रोग्राम करने का, क्यों? हाँ, उसकी तो हमें बहुत तारीफ मिली, बल्कि लोग कह रहे हैं कि तुम अकेली ही भली। बुआ जी, अगर आपको हमारे पेट पे लात मारनी है ना, तो उससे पहले आप अपना वजन कम कर लीजिए, हमें दर्द नहीं होगा। चलो बहुत बातें बना ली, अब काम पर लगो जल्दी। हाँ ए बबलू, चला आज तुम्हें बहुत सारे फोटो खींचना है। अच्छा? खास तौर से स्नेहा के और अर्जुन के, है ना, दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी है। हाँ, वो तो है। जल्दी शादी होने वाली है। अच्छा? ए, सुन इधर, ये अंदर की बात है, किसी को बताना मत। आप किससे बात कर रहे हैं?
मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं और मैं तो यहाँ आया ही नहीं। अरे मजाक कर रहे हो, चलो बहुत काम है यहाँ। नमस्कार। अरे आओ मठोक बाबू। अरे बेटा आओ अर्जुन आओ। माथुर साहब, मिसेज माथुर, ऐसे आप दोनों के मुस्कुराते चेहरे बयां करते हैं कि साथी हो साथ तो क्या मजाल के उम्र उन पर ढले, कि साथी हो साथ तो क्या मजाल की उम्र उन पर ढले, रिश्ता है वही जवां जो सालों साल चले। उद्धव साहब, आज इस जश्न की वजह ये बच्चियां, इन्होंने आज तक कभी अपनी सालगिरह नहीं मनाई, आज पहली बार अपना बर्थडे अपनी सालगिरह मनाएंगी। बहुत खूब, हमने तय कर लिया है साल के इसी दिन हम उन बच्चों की सालगिरह मनाएंगे जिन्हें इसे मनाने का मौका आज तक नहीं मिला। और बाबूजी एक मिनट, ये लीजिए, इसमें आपकी आवाज एकदम बढ़िया निकलेगी, लल्लन टॉप। हाँ बोलना जी। बदमाश। आज भी कुछ घरों में बच्चियों को बोझ समझा जाता है, लड़कों को निवेश और लड़कियों को फिजूल खर्च, और इस बात के लिए उन बच्चियों को दुखी होने तक का अधिकार नहीं है, ऐसी परंपरा चली आ रही। लेकिन हमने सोचा है कि जब भी हमारी शादी की सालगिरह होगी उस दिन हम गांव की बेटियों की सालगिरह मनाएंगे। बबलू, डॉक्टर अवस्थी आप आए नहीं सर अभी तक, इतने सारे मिस कॉल्स थे आपके, सब ठीक है ना? स्नेहा मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है बताने का,
लेकिन एक लड़की जख्मी हालत में लाई गई थी। उसकी हालत बहुत नाजुक है, इमरजेंसी है। क्या तुम आ सकती हो अभी? इतने सारे लोग हैं सर अभी यहां पर, मैं कोशिश करती हूँ सर। ओके। आज माथुर निवास में तीन बच्चियों का जन्मदिन पहली बार मनाया गया। इससे पहले उनका जन्मदिन कभी किसी ने नहीं मनाया था। अपनी बेटियों का जन्मदिन ना मनाकर हम उन्हें क्या सबक दे रहे हैं? ये कि वो अपने ही घर के बेटों से कम है, या फिर ये कि उनका खून अपने भाई के खून के सामने फीका है? क्या बेटियां भी आप ही का खून नहीं है? बातें तो हम करते हैं औरतों को समानता देने की मतलब समानता कोई मेहरबानी नहीं है जो हम औरतों पर कर रहे हैं, कि उनका हक है। अपनी बेटियों को भी औलाद का दर्जा दे दो, बस यही असली समानता है। अगर आप सबका साथ हो तो मैं देश का चेहरा बदल दूंगी। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कभी मैं कभी मैं कोई पहेली रेशम की डोर को लोहे सा कर सकती हूँ, उसकी